जबलपुर में गौर नदी के संरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं पिछले कई सालों से गौर नदी का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है, जहां ना तो जिला प्रशासन और ना ही सरकार के द्वारा गौर नदी को संरक्षित करने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार और जिला प्रशासन से गौर नदी को संरक्षित करने की मांग की गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि गौर नदी के आसपास बनी डेयरियों के कारण गौर नदी में गंदा पानी, पशुओं का मलमूत्र, पशुओं के मृत हो जाने के बाद उन्हें नदी में बहा दिया जाता है, जिसके कारण गौर नदी का अस्तित्व पिछले कई वर्षों से खतरे में चल रहा है, जिसके कारण गौर नदी दूषित होती जा रही है। वहीं यहां दूषित पानी आगे जाकर नर्मदा में मिलता है, जिसके कारण नर्मदा नदी भी दूषित हो रही है। बहनों, आज हम सभी ने यहां पे गौर तिराहा पे गौर नदी संरक्षित करने के लिए और उसका जल जो है नर्मदा नदी में जा रहा है, जो कि हमारी जीवनदायिनी नर्मदा माता है, उसका जल प्रदूषित हो रहा है। हम यहाँ पे आज धरने पे बैठे हुए हैं ताकि हमारी गौर नदी जो है वो उसको स्वच्छ किया जाए, और शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उसमें जो डेयरी का पानी जा रहा है, मलमूत्र जा रहा है, और जो पशु के जो बछड़े होते हैं वो मृत हो जाते हैं, उनको भी जो उस पानी में फेंक दिया जाता है, उसके कारण जो है पानी प्रदूषित हो रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये गौर नदी की जो गंदगी है उसको अति शीघ्र साफ करें, स्वच्छ करें, ताकि उसका पानी पीने लायक रहे। दुर्भाग्य की बात यह है कि गौर नदी के किनारे जितने भी पर्यटक के किनारे जितनी भी डेयरियां थी उसको हटाने के निर्देश हो चुके हैं कोर्ट के द्वारा, उसका पालन लगभग 3 साल से हो चुका ऊपर और अभी तक नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं महापौर, बातें बड़ी बड़ी करते हैं बीजेपी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम संरक्षण करेंगे, और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद दिया हाथ की सून है। 360 नाले नदियां मिल रहे हैं, किसमें? नर्मदा में। गौर नदी प्रदूषित हो चुकी है, पर्यट प्रदूषित हो चुकी है, और ये कहते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इसका ए ग्रेड का पानी है। फर्जी रिपोर्ट जारी करते हैं, धोखा दिया जा रहा है, हमारी जीवनदायिनी को समाप्त करने की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे करके। इसलिए आज आम आदमी पार्टी के संरक्षण में और उसके नेतृत्व में पंकज पाठक के यहाँ धरना प्रदर्शन चालू किया। आज हमारा सांकेतिक धरना है, लगातार ये क्रम चलता रहेगा जब तक कि हम नर्मदा और गौर नदी या पर्यटन को संरक्षित नहीं करवा लेते, हम बैठेंगे नहीं चुप।